साथियों, ये डिक्टेशन 40 शब्द प्रति मिनट की गति से है, जिसका समय 5 मिनट का है। स्टार्ट। काश हमने अपने नेताओं को उनके राजनैतिक प्रोग्रामों या अनुभवों के बजाय अध्ययन अनुभव के आधार पर चुना होता तो निसंदेह इस धरती पर दुख कम होता। हमारे नेताओं से उनकी विदेश नीति के बजाय सर्वप्रथम यह पूछा जाना चाहिए कि उनका डिकेंस स्टैंडल और दोस्तों एवस्की के बारे में नजरिया क्या है। साहित्य का सरोकार सीधे सीधे मनुष्य की विविधता एवं विचित्रता से है और राजनीति सभी को एक ही तरह हांकने का निदान ढूंढती है। चूंकि कोई भी कानून हमें हमारे अस्तित्व से बचा नहीं सकता, साहित्य के विरुद्ध किए जाने वाले अपराध को कोई भी दंड संहिता रोक नहीं सकती। यद्यपि हम अस्वीकारते हैं, साहित्य में सामग्री चोरी को लेखकों पर प्रतिबंधन को सेंसरशिप को पुस्तकों के जलाए जाने को, लेकिन जब यह कार्य पुस्तकों के पढ़े जाने सा बोधपूर्ण अपराध साबित हो जाता है, तब हम अपने को
चेतना अशक्त पाते हैं। यदि एक व्यक्ति पुस्तकें नहीं पढ़ता तो वह इसका दंड इसी जीवन में भुगतता है। यदि अपराधी एक राष्ट्र है तो इतिहास साक्षी है, इसे भी इसका दंड भुगतना पड़ा है। कोई भी कवि जब कविता रचता है तो उस क्षण उसकी प्रसिद्धि होने की कामना नहीं होती, तथापि कविता के माध्यम से जीवित रहने की इच्छा जरूर होती है उसकी।